कल बच्चों हम लोगों ने गैसीय विनिमय के बारे में पढ़ा, आज हम गैसीय विनिमय का लेखा जोखा कैसे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जानते हैं शिरा कोशिका के रुधिर में CO2 का दाब 46 mmHg होता है, 200 mmHg कार्बन डाइऑक्साइड प्रति मिनट फेफड़े में वायु विसरित होती है, मनुष्य के फेफड़े में 15 करोड़ कोशिकाएं होती है, यानी मनुष्य के हमारे आपके फेफड़े में 15 करोड़ कोशिकाएं होती है, मनुष्य के चौथा मनुष्य के फेफड़े में 350 mmHg शुद्ध कोशिका में प्रवेश करती है, और मनुष्य 1 मिनट में हम जानते हैं कि 12 से 15 बार श्वसन करता है, और प्रत्येक सांस में श्वसन क्रिया में 500 mmHg वायु फेफड़े में आती है और बाहर निकल जाती है, सांस के बाहर निकलने पर CO2 की मात्रा 18.4 mmHg होती है, CO2 प्रति मिनट की दर से 221 mmHg मुक्त होती है, वायुमंडल में हम आप जानते हैं ऑक्सीजन की मात्रा 20.84% होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.4%, नाइट्रोजन की मात्रा 78.62% होती है, और नौवां है हम प्रत्येक श्वास में 500 mmHg वायु प्रत्येक श्वसन क्रिया में हम 500 mmHg वायु अंदर को देते हैं, और श्वसन की सतह पतली होनी चाहिए, गैस के विनिमय के लिए यानी आदान प्रदान के लिए सामर्थ्यों की जरूरत है, सामान्य स्थितियों में फेफड़े की दर बढ़ जाती है, पहाड़ी पर लोग चढ़ते हैं तो वहां पर जैसे जैसे ऊपर को बढ़ते हैं ऑक्सीजन की मात्रा जैसे जैसे घटती है उसी तरह से हमारे सांस फूलने लगती है, कभी कभी आप 300 ऊपर मीटर ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो फेफड़ा फूलने लगता है, इसलिए शरीर का जो आयतन प्रसार बढ़ाऊंगा उसके कारण फेफड़ा फूलने लगता है, इस नाते श्वसन की सतह जब श्वसन क्रिया हम करते हैं कि इसकी सतह पतली होनी चाहिए, समतल होनी चाहिए, इसमें किसी भी प्रकार का दबाव ना हो, क्योंकि फेफड़ा एक रस से कार्य करता रहता है, इस प्रकार से गैसीय विनिमय का लेखा जोखा मानव शरीर में होता रहता है।